नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके घर में मिलता है, आपके घर में रखा जाता है, एक पूजा की सामग्री जिसका प्रयोग करके हम अपने पशु का इलाज कर सकते हैं। उसका नाम है कपूर। कपूर से कितना इलाज होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। इससे पहले बता दें कि हमने भी यह वीडियो कहीं देखा था और हमने प्रयोग किया, बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सफल रहा। हमने सोचा क्यों ना आपको हम इसके बारे में जानकारी दे दें। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। आप वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो दवा के बारे में जानकारी हम आपको देते रहते हैं। इसी के साथ में हम डॉक्टर अमित माझी, बैकपुर कर्मचारी। तो चलिए चलते हैं कपूर के बारे में। कपूर का प्रयोग हम कब करते हैं? आप इलाज करने जाते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करने जाते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, काम नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, रोग को खत्म करता है, उसके साथ अन सपोर्टिंग दवा भी चलती है, तो वहां पर भी थोड़ा सा कपूर खिला दीजिए, एंटीबायोटिक काम करने लगता है। नंबर दो, चोट लगने पर भी कपूर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल कपूर नहीं, यहां ध्यान देने वाली बात है, कपूर नहीं, बोरिक एसिड एवं कपूर को मिलाकर उस पर रख दीजिए, चोट सूख जाएगा और कीड़े भी मर जाएंगे, क्योंकि कपूर कीड़े को मारता है। और अफरा में पेट फूल गया हो, डॉक्टर साहब आने में लेट कर रहे हो, तो वहां पर आप लोग फिरका पिलाते हैं, फिरका ना मिले मौके पर, क्योंकि फिरका गैस तोड़ता है। अगर फिरका ना मिले मौके पर तब भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वहां पर भी आप कपूर का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे? 5 ग्राम कपूर, कितना? 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम गानी हींग, जिसको वो कहते हैं, कहीं पर हींग कहीं पर गानी कहते हैं, मिलाकर अपने पशु को दे दीजिए, अफरा खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, थनैले का इलाज होता है, होता है, लेकिन दूध भी सूखने लगता है, थन में सूजन आ जाता है, और हो सकता है थनैले के इलाज लंबा भी चलता है, कई किसी किसी पर जल्दी खत्म हो, किसी किसी पर लंबा चलता है। तो थनैले के इलाज में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे? 50 ग्राम कपूर, 50 ग्राम कपूर और 300 ग्राम मूंगफली का तेल मिलाकर एक लेप बना लीजिए, एक लेप बना लीजिए, एक लिपकर बना लीजिए, फिर ट्यूब में आता है जिसको लोफन कहते हैं, ऐसे बना लीजिए और आप थन पर लगाइए, सूजन खत्म होगा, सूजन खत्म होगी, गांठ भी खत्म होगी। और ऐसा नहीं, सूजन खत्म होने के साथ साथ ये भी है, शरीर के किसी भाग सूजन हो, गांठ पर सूजन हो, हड्डी पर सूजन हो, मांस पर सूजन हो, सबका सूजन खत्म करता है कौन? कपूर और मूंगफली का तेल। उसको मिला के गर्म करना है, उसके बाद लेप बनेगा ना। और इतना ही नहीं, कपूर और बोरिक एसिड मिलाकर जो लगाते हैं, अभी हमने कपूर बोरिक एसिड के बारे में बताया था, चोट लगने पर, यहां पर हम इतना कह रहे हैं, अगर लंगड़ा हो गया हो, सूजन हो, वहां का भी एक ठीक करता है। तो रही ना कपूर, काम की चीज, तो कपूर से आप अपने पशु का घरेलू इलाज कर सकते हैं। और इतना नहीं, आप कम मात्रा में करके मनुष्यों पर प्रयोग करते हैं तब भी काम करता, हमने आजमाया है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा रहा? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।